गाइस आई कांट बिलीव मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम, मतलब बचपन से सबसे बड़ा ड्रीम डिज्नीलैंड आना पूरा हुआ। अब देख सकते हो मैं डिज्नीलैंड के अंदर आ गई हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अब देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग्स हैं, मिकी माउस मिनी सबसे मिलूंगी, अब बहुत 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 इंजॉय करूंगी। सो गाइज मैं फाइनली अंदर की साइड आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे 30th एनिवर्सरी का बोर्ड लगा हुआ है डिज्नीलैंड के, क्योंकि 30th एनिवर्सरी है। देयरफॉर यहाँ पे बहुत सारा भीड़ था, आप देख सकते हो सब बैठ के खाना खा रहे थे उधर एंड सब घूमे जा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ना आज रैली का टाइम होने वाला है थोड़ी देर बाद, जिसके लिए लोग मेनली इधर पे आते हैं। तो मैं भी बस उसी का वेट कर रही हूँ कि वो कब होगी। बट मीनवाइल मैं थोड़ा थोड़ा घूम रही हूँ जगहों को एंड देख रही हूँ यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शॉप है, क्योंकि एंट्री करते ही ना आपको मल्टीपल शॉप्स दिखाई देने वाली हैं। जैसे कि ये वाली, यहाँ पे ना कपड़े होते हैं, जैसे मतलब आपने देखा होगा ना रील्स के अंदर के छोटी छोटी बच्चियाँ या लड़कियाँ जाती हैं, उनको डिज्नी प्रिंसेस की तरह ड्रेस किया जाता है या फिर प्रिंस की तरह तैयार किया जाता है, तो वो उसकी शॉप्स थी। एंड अब मैं और देखती हूँ चीज़ें फिर बताती हूँ आपको। खाना पीना तो बहुत महंगा है, 9 यूरो का एक सैंडविच है और मिक्की माउस शेप का, और पता भी नहीं है उसका टेस्ट कैसा है। और अगर वो सैंडविच मैं ले भी लूँ पर लाइन इतनी लंबी है ना, लाइक लिटरली 3 लाइनें लगी हुई हैं, और उसको देखना और उसको क्रॉस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो चलिए आगे चलते हैं। आप ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल है, ये है यहाँ का कैसल जो डिज्नीलैंड कैसल है। ये देख के बाहर से लग रहा था यार मैं तो जन्नत में आ गई हूँ, इतना ब्यूटीफुल। बट उधर पे जाने से पहले थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी लंबी भीड़ है, मतलब लिटरली इतनी लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है। गाइज अभी हम लगे हैं एक लाइन में बेक शॉप की, क्योंकि यहाँ लाइन थोड़ी छोटी थी प्लस चीज़ें भी सस्ती थी। तो हमने एक मफिन लिया है, एक मिक्की शेप का कुकी लिया है जो कि 3 यूरो और 4 यूरो का है, और 2 कॉफ़ी ली है जो भी वो भी सस्ती है डिज्नीलैंड की, सब जो 3 यूरो की। तो चलिए टेस्ट करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको इसका टेस्ट कैसा था। तो ये मिक्की शेप वाला जो था ना मफिन, ये तो थोड़ा सा टेस्टी था, मतलब इतना टेस्टी नहीं था, पर ये जो ब्राउन वाला था ना मम्मी या ये इतना टेस्टी था ना क्या बताऊँ आपको। एंड फाइनली अब रैली का टाइम हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने लगी थी, तो मैंने पूरी की तो वीडियो ऑब्वियसली नहीं बनाई, पर जितनी बनाई है आप पूरा देखो और इन्जॉय करो मस्त से उनका डांस परफॉर्मेंस। लैंड के अंदर हूँ, आप डिज्नीलैंड पैलेस देख सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है, लिटरली बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को। अभी हम आ गए हैं सारे राइड्स वाले सेक्शन में, यहाँ पे डिफरेंट राइड्स हैं और ये इतना बड़ा है ना कि ये 4 डिफरेंट डायरेक्शन में बटा हुआ है। तो आपको वहाँ पे ना एक डायरेक्शन बोर्ड पे देखना होगा कि कौन से तरफ कौन से झूले हैं। तो अभी हम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड उस डायरेक्शन में जितने सारे झूले हैं ना हम सारे ट्राई करने वाले हैं। गाइस मैं आ चुकी हूँ अपनी फर्स्ट राइड की तरफ, उसका नाम है ऑटो किया। इसमें कार रेसिंग होती है और इसके लिए बहुत बड़ा लाइन है, और जैसे ही लाइन क्रॉस होता है तो मैं बैठूंगी और मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। आधे घंटे से खड़े हुए हैं यार, नंबर ही नहीं आ रहा है, इतनी लंबी है वहाँ फंस जाएंगे। सो फाइनली 500 लोगों की लाइन क्रॉस करने के बाद ना मैं आ गई हूँ फाइनली मेरी रेसिंग ट्रैक पे, एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं रेसिंग। एंड यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप्स थे, पर कम टाइम के लिए ट्रैवल करने को मिल रहा था, पर बड़ा मज़ा आया। मैं हूँ सबमरीन के अंदर, ये देखो सबमरीन का व्यू, दिख नहीं पा रहा है क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है। अब मैं जा रही हूँ बिग माउंटेन थंडर रेल रोड में, एंड ये बहुत ही बड़ी राइड है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस अभी तक हम लाइन में ही लगे हुए हैं, आप देख सकते हो इतनी बड़ी लाइन है, देखो ऊपर भी लाइन में लोग खड़े हुए हैं, बाप रे बाप।
इतनी बड़ी लाइन में वेट करने के बाद वो राइड ही बीच में बंद हो गई। बोला उन्होंने कि टेक्निकल इशू है और सारी मेहनत वेस्ट चली गई, तो अब मैं गुस्सा होकर जा रही हूँ दूसरी राइड। सो गाइज, यहाँ पे ना आपको एक अलग ही सेक्शन दिखेगा जो कि आपको शायद राइट साइड दिखे, एंड यहाँ पे ना पूरा झरने वरने एंड ब्रिजेस और पत्थरों से बनाई हुई ना बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क था, तो यहाँ पे तो बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे पूरे केव्स वगैरह बनाए हुए हैं। सो गाइज, केव के बाहर आते हैं ना, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सेक्शन बने हुए थे और मुझे दूर से एक पार्क नज़र आ रहा था जिसपे ना ऐसा ये टेडी बेयर बना है ना, ये एक ऑगी वाला बिल्ला बड़ा भाई। सो ओए, हम जा रहे हैं पार्क के अंदर। पता नहीं उसकी जैसे आवाज़ निकली कि नहीं निकली, पर ऑगी तो शाहरुख खान की तरह बोलता है। ऑगी का बड़ा भाई सनी देओल की तरह बोलता है। आई डोंट नो मैंने सनी देओल जैसा साउंड किया या नहीं, पर पापे मज़ा आएगी अंदर जाके। सो हम अंदर जा रहे हैं एंड यहाँ पे पास में एक और सुपर जगह थी, ये है नाव। इसके अंदर मैं नाव में बैठ गई हूँ, ये बेसिकली पानी है। एक्चुअली बैठी नहीं हूँ, मुझे लगा मैं बैठ गई। तो यहाँ पे ना ये पूरा जर्मन में लिखा है, या फिर सॉरी जर्मन में क्यों लिखा होगा, फ्रांस के लैंग्वेज में लिखा होगा, तो फ्रेंच में लिखा होगा। एंड यहाँ पे पूरा पानी है, इसके अंदर ना बोट होगा, आपको बोट में बैठना होएगा एंड देन यू कैन एक्सप्लोर। एंड आफ्टर दैट हम आ गए ये हॉल में, यहाँ पर टीवी चल रहा था एंड रात का टाइम था। इसके बाद मैं एक जगह गई जो थी मेरी नाइटमेयर रोलर कोस्टर, एंड देन फाइनली रात की फायरवर्क्स देखने आ गए हम बिल्डिंग के सामने। अब ये क्लोज हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, एंड यहाँ पे हर बार रात के टाइम जब ये क्लोज होता है तो यहाँ आतिशबाजियाँ होती हैं, एंड देन गुड बाय। बज रहे हैं रात के अराउंड 11-12 और मेरा डिज्नीलैंड टूर ख़त्म होता है आज। एंड डे टू वॉज वेरी एक्साइटिंग एट पैरिस। डिज्नीलैंड बहुत ही सही है, इधर पर मैंने मल्टीपल राइड्स ट्राई की, पर मैं सुबह जल्दी नहीं आ पाई क्योंकि मैं बीमार हो गई थी ठंडी की वजह से। सो आई वुड सजेस्ट कि जल्दी आओ और बहुत सारी राइड्स करो, और रात को तो कम भीड़ रहती है राइड्स में। और अगर आपके पास एनुअल पास है तो आप हैलोवीन जैसे इवेंट्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स अटेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।